हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं वापस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और इस वीडियो के दौरान अगर आपको ऐसा कोई डाउट फील होता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रिवर्स कैट आई मेकअप, उसका नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। सबसे पहले आज हमें इस्तेमाल करना है, जो कि मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ। मैं पूरा मेकअप नहीं कर रहा हूँ बाय द वे। मेन जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रिवर्स कैट आई मेकअप। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है काजल। बिकॉज काजल से ही हमें ये मेकअप करना है। और ये आई थिंक अगर आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना हो रिवर्स कैट आई मेकअप, तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो आपके पास एक काजल पेंसिल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि इसे अंदर की तरफ लगाना है इस तरह से। अब मैं एक ब्रश यूज करूंगा स्मज करने के लिए। ये वाला वो ब्रश है। हमें बेसिकली क्या करना है, जब हम काजल कर रहे हैं तो उसे स्टार्ट से लेके हमारा जो इनर कॉर्नर है वहां से लेके हमें बाहर की तरफ इसे बाहर की तरफ लेके जाना है। और उसे थोड़ा सा शार्प करना है, पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा शार्प करना है। और ये यहाँ पर ये पूरा मोटा रहेगा इस तरह से, और ये बकायदा अंदर भी काजल रहेगा, उसी को हमें स्मच करके बाहर की तरफ स्प्रेड करना है। इसके लिए मैं ब्राउन कलर का जो शेडो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ताकि उसे और अच्छे से मैं ब्लेंड कर सकूँ। तो इसे हमें यहाँ पर अप्लाई करके उसे स्मज करने की कोशिश करना है, बिकॉज वो जितना अच्छा स्मज होगा उतना अच्छा लगेगा। इसे इस तरह से हमें बाहर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो पोर्शन है हम जहाँ पर आईलाइनर यूज़ करते हैं, ये जो पोर्शन है हमें इस तरफ, या तो अगर आपके पास लाइनर हो तो लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे यहाँ से इतना हमें लाइनर एज अ लाइनर मतलब यूज करना है। अगर मैं तो काजल पेंसिल यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास लाइनर है तो आप लाइनर उसे यूज कर सकते हैं, सिर्फ इतने एरिया में ही, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और इसके बावजूद अगर आपको मतलब शेडो भी यूज करना है तो आप शेडो यूज कर सकते हो, तो उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मेन इसमें जो खेल है वो है लाइनर का और काजल का। ठीक है, काजल आप देख रहे होंगे प्रॉपर कि काजल कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया हुआ है, तो ये इस तरह से होता है। इसका नाम है रिवर्स कैट आई मेकअप। तो अभी मैं ये वाला ब्रश यूज करूंगा। तो ये हो गया हमारा रिवर्स कैट आई मेकअप। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर है नहीं, मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में, मतलब मैं कोशिश किया था कि बहुत ही कम टाइम में आपको मैं ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा था, तो
तो आज ना ही तो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है और ना ही तो मैंने शेडो यूज़ किया है, पूरा जो खेल है वो सिर्फ काजल पर और लाइनर पर ही है। तो मैंने कोशिश किया कि आपको कम से कम टाइम में ये जो यूनिक आइडिया है, ये जो यूनिक आई मेकअप है, आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए मेरा वीडियो इसी तरह से, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।